नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कपिलवस्तु महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि राज्य सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री रिटायर जनरल बीके सिंह ने फीता काटकर किया। स्वागत में महिलाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए, लोगों को संबोधित कर जिले की इस महोत्सव का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि आज जिले में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से लोगों ने आज स्वागत किया है, इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उसको देख कर यह लगता है कि जनपद बहुत ही प्रतिभाशाली है। यहाँ की प्रतिभाएं बहुत हैं, उनको निखारने की जरूरत है। भारत सरकार प्रतिभाओं को निखारने में बहुत ही प्रयत्नशील है। उन्होंने जिले को एयरबेस से जोड़ने की बात कही। एयरपोर्ट्स देने के बाद पर उन्होंने कहा कि आप जमीन दीजिए, एयरपोर्ट्स हम देंगे। वहीं केंद्र सरकार का विचार है कि देश की सभी सड़कें मुख्य मार्ग से जुड़ जाएं। एयरपोर्ट्स बनाने वाली सांसद खेल महाकुंभ में भी उन्होंने शिरकत की। दीप प्रज्वलित कर बच्चों का हौसला बढ़ाया, उनके स्वागत में मशाल लेकर दौड़ लगाई और बच्चों ने गणेश की प्रस्तुति से उनका स्वागत किया। कपिल वस्तु महोत्सव का कार्यक्रम आज से शुरू होकर 24 तक चलेगा। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुचित वर्मा। आपने शुभारंभ किया है कपिल वस्तु महोत्सव का, वो भी किया और कपिल वस्तु महोत्सव का भी शुभारंभ किया जी, और साथ साथ आप सब लोगों को शुभकामनाएं दी कि जिस प्रकार से इन दोनों चीज़ों के ऊपर लोगों के अंदर उत्साह और प्रेरणा देखी है, वो देख कर बड़ी खुशी होती है कि किस प्रकार जिला जिसको कि लोग पहले पीछे मानते थे, अब वो कैसे अग्रणी बनता जा रहा है। बहुत खुशी हुई और जिस तरीके से ये सारा कार्य हो रहा, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव बनेगा। सर, एयर कनेक्टिविटी से कब जुड़ेगा सिद्धार्थ नगर पेपर? जिस दिन आप जमीन दे देंगे। जिस दिन हम जमीन दे देंगे सर।